रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कुकिंग कैटलॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याज़ा। इसके लिए मेरे पास ये 3 पाव भिंडी है, इसको मैंने बाइट साइज़ में काट लिया है और इसके मैंने फ्रंट पार्ट को नहीं फेंका, सिर्फ जो बैक पार्ट होता है सिर्फ मैंने वो इसका काटा है और इसका फ्रंट पार्ट भी रहने दिया। अगर आपको आपकी मर्ज़ी है तो आप ये भी रख सकते हैं। इसके अलावा 1 पाव मेरे पास टमाटर है और 1 पाव प्याज है। 1 टेबल स्पून मेरे पास ये कुटी हुई अदरक है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। 2 मेरे पास बड़ी वाली हरी मिर्च है, मैं इनको काट लूँगी और 1/2 लाइम है। एक पैन में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, इसमें प्याज शामिल करेंगे, फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। प्याज को तेज़ आंच पे फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। इसके साथ ही सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और नमक शामिल करेंगे और अदरक भी शामिल कर देंगे। तो अच्छे से चला लेंगे, आंच हमारी हाई है। इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं आंच को मीडियम कर दूंगी और इसमें भिंडी शामिल करूंगी। इसके साथ ही हरी मिर्च जो हमने काट ली थी वो भी शामिल कर देंगे। अब इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, थोड़ी देर बाद ये अपनी लेस छोड़ना शुरू कर देगी। भिंडी ने अपनी लेस छोड़ दी है, ये देखें। अब इस पॉइंट पर जो हमारा 1/2 लाइम था वो मैं इसमें शामिल करूंगी, ये भिंडी की लेस ख़त्म करने में मदद करता है। आपके पास लेमन या लाइम कोई भी है तो तकरीबन 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर लें, इससे भिंडी में हल्की सी खटास भी आ जाएगी। इसकी लेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, आँच हमारी मीडियम ही है। इसको हर 30 से 40 सेकंड के बाद इस तरीके से पलटेंगे, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना वरना ये टूट जाएगी। इसकी लेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, बहुत ही कम लेस रह गई है, आँच हमारी इस वक्त भी मीडियम है। इस पॉइंट पर हम इसमें नमक वगैरह चेक कर लेंगे और अगर नमक कम होगा तो हम और डाल सकते हैं, वैसे 1 टीस्पून परफेक्ट मीडियम है। भिंडी की लेस ख़त्म हो चुकी है और ये तकरीबन रेडी है। 1 टेबल स्पून लेमन का रस डालने से एक तो इसमें से लेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, दूसरे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। बस मैं इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 40 सेकंड के लिए और फ्राई करूँगी और फिर ये रेडी है। ये इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है और इसका कलर भी ग्रीन है। इस वक्त इसमें गार्निशिंग के लिए जो धनिया इस्तेमाल होगा उसको मैंने 2 पार्ट्स में काट लिया है, डंडी अलग से काट ली है और पत्ते अलग से काट लिए हैं। इस वक्त आप इसमें डंडी शामिल कर दें। धनिया की डंडियों में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, आप इसे ज़रूर शामिल किया करें, तो फेंका ना करें और इसकी अपनी अफादियत भी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। भिंडी दो प्याज़ा या प्याज भिंडी बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।